इस प्यार को क्या नाम दू 3 का दर्शकों ने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया और बड़े ही दिल से स्वागत भी किया, मगर दर्शकों के गले शिवानी तोमर नहीं उतर रही है। वरुण सोबती के अपोजिट दर्शकों ने शिवानी तोमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे बल्कि दर्शकों ने खुद ने ये कहा है। टीवी रेटिंग्स के मुताबिक इस प्यार को क्या नाम दू 3 जब ऑन एयर हुआ तो उस दिन दर्शकों ने उसे जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। जी हाँ, 3 जुलाई 2017 को IPKKND को ऑडियंस का भरपूर साथ मिला। 4 जुलाई 2017 को भी रिस्पॉन्स बना रहा, मगर एपिसोड दर एपिसोड दर्शकों का साथ कम होता गया। अब शो के मेकर्स इस बात को लेकर खासा परेशान हैं, क्योंकि IPKKND का पहला और दूसरा सीजन जबरदस्त हिट रहा था, जिसमें पहला वाला सीजन तो खासा पसंद किया गया था, जिसमें वरुण सोबती के अपोजिट सनाया ईरानी थी। अर्णब सिंह रायजादा और खुशी कुमारी की टिपिकल लव स्टोरी को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था। मेकर्स को उम्मीद थी कि शायद इस बार भी ऐसा हो, मगर अब मेकर्स को लगने लगा है कि ऑडियंस शिवानी तोमर की वजह से शो से दूर हो रही है। वरना स्टोरी लाइन, कैमरा वर्क और कैरेक्टर्स तो सब दमदार हैं, मगर शिवानी थोड़ी वीक है। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि शायद हो सकता है शिवानी तोमर को रिप्लेस किया जाए। सुनने में ये भी आया है कि शिवानी की जगह सनाया ईरानी की एंट्री वापस हो सकती है। वैसे भी नच बलिए के बाद से सनाया ईरानी फिलहाल फ्री हैं। चर्चा तो ये भी है कि सनाया नागिन 3 में नजर आ सकती है, मगर ये तो सबको पता है कि नागिन 3 में दर्शक मौनी रॉय को ही वापस चाहते हैं, इसलिए सनाया को नागिन बनने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। खबरें हैं कि अब सनाया ईरानी ही इस प्यार को क्या नाम दूं में धमाकेदार एंट्री कर सकती हैं। मिलम न्यूज़ रिपोर्ट।